Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And I'm sure आप भी इटली घूमने का प्लान कर रहे हैं. मैं जा रही हूँ वेनिस पैडुआ सिटी से. फिलहाल मैं पैडुआ में रह रही हूँ और बाई ट्रेन जो है मैं वेनिस जा रही हूँ. यूरोप में आप कहीं पर भी ट्रेन से चले जाइए, ट्रेन की जो जर्नी होती है बहुत ही मज़ेदार आरामदायक होती है और मज़ा आती है ट्रेन में सफ़र करके. बहुत ही कन्वीनियंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. यूरोप में सभी जो देश हैं वो मतलब आसपास ही हैं और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं यूरोप में ट्रेन से ट्रैवल करना. अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो आप ट्रेन से जाइए, बहुत ही रीज़नेबल जर्नी होती है. पैडुआ से मैं वेनिस जा रही हूँ और मेरा जो टिकट है उसकी प्राइस है 8 यूरो. तो 8 यूरो की टिकट लेकर के मैं पैडुआ से वेनिस जा रही हूँ. मैं पहुँच गई हूँ रोमांटिक सिटी ऑफ वेनिस. स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको सबसे पहले ये सामने व्यू नज़र आएगा. ये है ग्रैंड कैनाल. ये बहुत बड़ा कैनाल है जिसके थ्रू आप वेनिस में कहीं पर भी जा सकते हैं. आपको कहीं पर भी जाना है तो आप इस कैनाल के थ्रू जा सकते हैं. यहाँ पर कई तरह के आपको छोटे बड़े बोट मिलेंगे. यहाँ पर आप कई तरह के आइलैंड्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस और कैनाल देख सकते हैं. पुराना कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है. यही सब देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. संकरी गलियां हैं, गलियों के थ्रू ही एक दूसरे जगह पर जाया जाता है. और ये है गंडोला जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि कैनाल में इसी के थ्रू जो है आप जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. और एक बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन है, मतलब गलियों के बीच में से ही ये जो कैनाल है निकलता है. अभी जो मैंने आपको शुरू में ग्रैंड कैनाल दिखाया था उसी के ये सारे चेन हैं. वही ग्रैंड कैनाल मतलब संकरी गलियों के भीतर से निकल करके जाता है और लोग इसी को बहुत एंजॉय करते हैं. ये बहुत ही फेमस है. मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप वेनिस में आकर के गंडोला पर नहीं बैठे तो आपकी जो ये जर्नी है, आपका जो ये घूमने का जो प्लान है वो इनकम्प्लीट है. और इस तरह की जो गलियां हैं मतलब अपने आप में बड़ी ही रोमांचक हैं. मज़ा आती है इन गलियों के बीच से गुज़रने में. आप इन्हीं गलियों से गुज़र करके दूसरे जगह पर जा सकते हैं और बीच बीच में आपको इस तरह का कैनाल भी मिलेगा. और इन्हीं गलियों के बीच में दुकानें भी हैं. और ये है उसी ग्रैंड कैनाल का पार्ट जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है, अपने आप में बहुत सारी खूबसूरती लिए हुए हैं. मेरे पहले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कैसे आप इटली पहुंच सकते हैं. शॉर्ट में फटाफट से दोहरा देती हूं. इटली घूमने का सही समय वैसे तो साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं. विंटर यहां अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा यहां पर ठंडी होती है. कभी कभी टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है. लेकिन गर्मी के समय यहां पर मार्च से लेकर के मई महीने में अच्छे से घूमा जा सकता है. जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ बहुत गर्मी होती है. अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके भी चले तो खर्चा पर पर्सन जो है 1.5 लाख रुपए तक आ सकता है. इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, जितना चाहे आप खुलकर खर्चा कर सकते हैं. होटल, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन और एंट्री फी जिसमें शामिल है. और इटली आने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा. यहाँ पर बहुत सारे शोरूम हैं, ब्रांडेड दुकानें हैं. आप घूमने के साथ साथ खुल करके अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं. यहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं आप ले जा सकते हैं. तो हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और आप देख सकते हैं सोवेनियर शॉप भी काफ़ी भरे हुए हैं यहाँ पर. अब हम पहुँचे हैं वेनिस के एक बहुत ही बड़े बुक स्टोर में. ये एक्चुअली लाइब्रेरी है जो कि लाइब्रेरी अक्वा अल्टा के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर आपको दुनिया भर की किताबें मिल जाएंगी. जनरली यूरोप में कहीं पर भी आप जाते हैं लाइब्रेरी में आपको बहुत ही कम जगह पर जो है इंग्लिश के एडिशंस, लिमिटेड एडिशंस मिलते हैं. पर यहाँ आपको
मैक्सिमम जो है आपको बुक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इटली के कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, पिक्चर्स रखे हुए हैं, सोविनियर्स रखे हुए हैं और बहुत सारी किताबें हैं जो कि इटली के कल्चर से रिलेटेड हैं, इटली के कल्चर के बारे में हैं। तो उसके बाद जो है हम पहुंच गए हैं एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख ज़बरदस्त लग रही थी तो बस मूड था कि आज कुछ अच्छा चटपटा सा खाया जाए। तो यहाँ एक पास में ही पास्ता शॉप है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ पास्ताज मिलते हैं। आपने पूरे दुनिया में जितने तरह के भी पास्ता खाए हैं, यहाँ पर आपको एक ही जगह पर वो सारी किस्म के पास्ता देखने को खाने को मिल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार था, इनका प्रिपरेशन बहुत टेस्टी था और फ्लेवर एरोमा अमेजिंग था, मज़ा आ गया। आज भी मैं उस टेस्ट को नहीं भूल पा रही हूँ। तो जो हमने पास्ता ऑर्डर किया है वो तैयार हो रहा है, तब तक जो है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इनके पास एक कलेक्शन है करेंसीज़ का, दुनिया के वर्ल्ड के सभी देशों के करेंसीज हैं यहाँ पर, और ये मेरा पास्ता जो है तैयार है, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है। मैं अपनी जब तक भूख मिटाती हूँ, आप इंजॉय कीजिए व्यू को। ये है सेंट मार्क स्क्वायर। सेंट मार्क स्क्वायर इज रियली द हार्ट ऑफ वेनिस, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ द ग्रैंड कैनाल। बिल्कुल जो ग्रैंड कैनाल है उसके किनारे पर ही ये जो है सेंट मार्क स्क्वायर है। बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसकी। Just be done.